हेलो हाय नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। और यह है भीमल का पेड़। भीमल का पेड़ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक औषधीय पेड़ है, जिसकी पत्तियां गाय भैंसों को खिलाई जाती है, जो बहुत अच्छा दूध देती हैं। और इसको स्थानीय भाषा में भिकुआ भी कहते हैं बहुत जगह पे। कहाँ पे कहते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं इसको भिकुआ किस जगह पे कहा जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्रेविया ऑप्टिवा है, मतलब एक वनस्पतिक नाम है जो अंग्रेजी नाम। तो इसकी छाल जो होती है, इससे रस्सियाँ भी बनती हैं, और जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो इससे शैम्पू भी बनाया करते थे। शैम्पू कैसे बनाते थे वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। तो इसकी पूरी टहनियों से छाले निकाल के इसको हम कूटेंगे। आप कूट पत्थर से भी सकते हैं, अभी हम हथौड़े से कूट रहे हैं, हमारी जेठी माँ, माँ की बड़ी बहन। तो इसको अच्छी तरह से कूटना है पूरा, क्योंकि इसमें थोड़ा पावर लगती है हाथों की। कम से कम 5-10 मिनट तक इसको बेसिकली डैंड्रफ के लिए यूज किया जाता है। और अब हम गर्म पानी में इसको इस तरह से मस लेंगे और फिर ये झाग छोड़ना शुरू करेगा। देखिए, हमारे पूर्वजों का दिमाग बहुत खतरनाक होता था, कैसे वो ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते थे। अब ये लाइव मेरे ही सर पे लगाया जा रहा है। वैसे बहुत लोग लगाते हैं इसको, लेकिन मैंने अपने सर पे लगवाया क्योंकि मेरे को भी डैंड्रफ हो रखा है, तो सोचा खुद पे ट्राई किया जाए। लेकिन बाल इसके बाद बहुत सिल्की हो गए थे मेरे, बहुत ज्यादा सिल्की। शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस इसके बाद, इसको लगाने के बाद तुरंत सर धो देंगे हम अपना। और आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं आपको कैसा लगा वीडियो और आगे आप क्या देखना चाहते हैं।